तो वो परली पार उतर गया, और जिसने नहीं परखा उसका दे रहे। आइए हमारे अंकल जी एक सही तरीके से हमारा मान सम्मान करते हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद। बताया कि जो देव लोग में भी सत्यवादी माना गया, इस धरती पे जो एक के राजा होया है, जो इस देव लोग में भी सत्यवादी माना गया है, राजा हरिश्चंद्र का जिक्र करा पहले कली के माध्यम पे। बताया इतना सत्यवादी राजा था, समय ने ऐसी पलटी मार दी, ऐसी ठोकर मारी है समय ने, उस काली अंगी के जरा सूरा का पानी भरना पड़ गया था। पहली कली के माध्यम से क्या लिखा बोला, फिर रह कोई बात नहीं, बस पांच मिनट जोड़ लो, बाद में जैसा प्रोग्राम चाहोगे वैसा ही दिखाया जाएगा। उस सिकंदर का जिक्र करा है दादा ने दूसरी कली के माध्यम में, बताया कि जो हमारे मुसलमान भाई मरते हैं उनके मुंह के अंदर एक सिक्का डालते हैं मरते टाइम पर। हाँ, पहले के टाइम में चांदी के सिक्के होया करते। सिकंदर ने सारी पृथ्वी की जितनी कबर थी सारी कबर खुदवा दी, जितने सिक्के थे सारे सिक्के कढ़वा लिए। मरते आरण बोलिया कि जब मैं मरूं मेरे दोनों हाथ जनाजे तो बाहर काट दियो, ताकि इस दुनिया में मेरा पाठ जाए। सिकंदर मर तो गया पर कुछ लेकर ना गया। हाँ, इससे भी बड़ी एक उदाहरण और दिया है बाबा ने, स्वाभिमानी अहंकारी रावण का जिक्र करा है। बताया कि जिसके बेमाता बुहारी दी, जिन्हें काल कुएं में लटका रखा, जिगे इंद्र देव छड़का करे क्या की बची थी, क्या चीज की बची ना थी। पर एक समय उसका भी ऐसा खराब आया है दादा, बांद्रा दे रखा करवा दी। क्या लिखा बोला, I'm sorry.
तीसरी कली में बताया कि समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, और इस नर से बड़ा बलवान मुगल समय होता है। बता दिया कि 18 क्षण दल कट कट कर मर गया, अर्जुन कैसे तीर नहीं थे। और एक बात और बताई है बाबा, कया करो भी बलि से गोंडा मार दिया करता, उड़े हुए पानी गल दिया करता, इतनी ताकत थी आखिया की सोने ठाक ठाक ऊपर ने रखो मावा मावा गा दिया, आज तो इतने नए ना दिए मेरे ही बटा छूट गए। इतनी ताकत होने के बावजूद समय ने ऐसा खेल खिलाया है उनकी वीर मान ने सब आगे भी उठाया बड़े नजर भी क्या लिखा बोला चार।
बताया कि जब भी कोई कभी अपनी कलम उठाता है तो अंत में आखिरी बात में कभी तोड़ कर दिया गया, निचोड़ कर दिया गया, बता दिया रगड़े में कि इंसान को कभी किसी चीज के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज के ऊपर गुमान नहीं करना चाहिए। अगर समय आज अच्छा है तो मर्द का बेरा नहीं किस टाइम पे हो रहा है जाए, अगर आज बुरा है तो बेरा नहीं कल अच्छा भी आ जाए, टाइम में घड़ी का कोई बेरा नहीं। चौथी गली में क्या लिखा था